सब्सक्राइब कीजिए रोचक फैक्ट्स, बेल आइकन दबाइए और जाने रोचक बातें। भारतीय मुद्रा रुपए से जुड़े 28 रोचक तथ्य। इंडियन करेंसी इन हिंदी, रुपया रुपया रुपया, सभी का यही हाल है। आपकी कीमत तब तक है जब तक आपके पास ऐसा कुछ है जो पैसे से खरीदा जा सकता है। हम आपको रुपए की शुरुआत से लेकर बहुत से सवालों के जवाब देंगे। मैं आज आपको 7 इंडियन करेंसी फैक्ट्स इन हिंदी में शेयर कर रही हूँ। भारत में करेंसी का इतिहास 2500 साल पुराना है। इसकी शुरुआत एक राजा द्वारा की गई थी। अगर आपके पास आधे से ज़्यादा 51% फटा हुआ नोट है तो भी आप बैंक में जाकर उसे बदल सकते हैं। बात सन 1917 की है, जब एक रुपया $13 के बराबर हुआ करता था। फिर 1947 में भारत आज़ाद हुआ, एक रुपया $1 कर दिया गया। फिर धीरे धीरे भारत पर कर्ज बढ़ने लगा, तो इंदिरा गांधी ने कर्ज चुकाने के लिए रुपए की कीमत कम करने का फैसला लिया। उसके बाद आज तक रुपए की कीमत घटती आ रही है। अगर अंग्रेजों का बस चलता तो आज भारत की करेंसी पाउंड होती, लेकिन रुपए की मजबूती के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। इस समय भारत में 400 करोड़ रुपए के नकली नोट हैं। उम्मीद है कि अब ये खत्म हो जाएंगे। सुरक्षा कारणों की वजह से आपको नोट की सीरियल नंबर में IJOXYZ अक्षर नहीं मिलेंगे। हर भारतीय नोट पर किसी न किसी चीज़ की फ़ोटो छपी होती है। जैसे 20 रुपए के नोट पर अंडमान आइलैंड की तस्वीर है, वहीं 10 रुपए के नोट पर हाथी, गैंडा और शेर छपा हुआ है, जबकि 100 रुपए के नोट पर पहाड़ और बादल की तस्वीर है। इसके अलावा 500 रुपए के नोट पर आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी 11 मूर्ति की तस्वीर छपी है। भारतीय नोट पर उसकी कीमत 15 भाषाओं में लिखी जाती है। एक रुपए में 100 पैसे होंगे, ये बात सन 1957 में लागू की गई थी। पहले इसे 16 आने में बांटा जाता था। RBI ने जनवरी 1938 में पहली बार 500 रुपए की पेपर करेंसी छापी थी, जिस पर किंग जॉर्ज 6 का चित्र था। इसी साल 10,000 रुपए का नोट भी छापा गया था, लेकिन 1978 में इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने तब तक भारतीय मुद्रा का प्रयोग किया जब तक उन्होंने काम चलाने लायक नोट ना छाप लिया। भारतीय नोट किसी आम कागज़ के नहीं बल्कि कॉटन के बने होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि आप नए नोट के दोनों सिरों को पकड़ कर उसे फाड़ नहीं सकते। एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत से 5 रुपए के सिक्के मंगाया करता था। 5 रुपए के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनते थे। एक ब्लेड की कीमत 2 रुपए होती थी, तो ब्लेड बनाने वाले को अच्छा फायदा होता था। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सिक्का बनाने वाला मेटल ही बदल दिया। आज़ादी के बाद सिक्के तांबे के बनते थे। उसके बाद 1964 में एल्यूमिनियम के और 1988 में स्टेनलेस स्टील के बनने शुरू हुए। भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की जो फोटो छपती है वह तब खींची गई थी जब गांधी जी तत्कालीन बर्मा और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पेथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता स्थित वायसराय हाउस में मुलाकात करने गए थे। यह फोटो 1996 नोटों पर छपनी शुरू हुई थी। इससे पहले महात्मा गांधी की जगह अशोक स्तंभ छापा जाता था। भारत के 500 और 1000 रुपए के नोट नेपाल में नहीं चलते, अब तो भारत में भी नहीं चलते। 500 रुपए का पहला नोट 1986 में और 1000 का पहला नोट सन 2000 में बनाया गया था। फिलहाल 1000 रुपए का नोट बंद हो चुका है और 500 रुपए का नया नोट मार्केट में आ गया है। 2000 रुपए का पहला नोट सन 2016 में बनाया गया था। भारत में 75,000 और 1,000 के भी सिक्के छप चुके हैं। 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा और 2 से 1,000 रुपए तक के नोट RBI द्वारा जारी किए जाते थे। एक समय पर भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए शून्य का नोट 5th पिलर नाम की गैर सरकारी संस्था द्वारा जारी की गई थे। 10 रुपए के सिक्के को बनाने में 600 रुपए की लागत आती है। नोटों पर सीरियल नंबर इसलिए डाला जाता है ताकि RBI को पता चलता
रहे कि इस समय मार्केट में कितनी करेंसी है। रुपए भारत के अलावा इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की भी करेंसी है। अकॉर्डिंग टू RBI, भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है। कंप्यूटर पर रुपीस टाइप करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर के बटन को एक साथ दबाएं। रुपीस के इस चिन्ह को 2010 में उदय कुमार ने बनाया था। इसके लिए इनको 2.5 लाख रुपए का इनाम भी मिला था। क्या RBI जितना मर्जी चाहे उतनी कीमत की नोट छाप सकती है? ऐसा नहीं है कि RBI जितनी मर्जी चाहे उतनी कीमत की नोट छाप सकती है, बल्कि वह सिर्फ 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकती है। अगर इससे ज़्यादा कीमत के नोट छापने हैं तो उसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में बदलाव करना होगा। जब हमारे पास मशीन है तो हम अनगणित नोट क्यों नहीं छाप सकते? हम कितने नोट छाप सकते हैं इसका निर्धारण मुद्रा स्फीति, GDP ग्रोथ, बैंक नोट्स के रिप्लेसमेंट और रिजर्व बैंक के स्टॉक के उधार आधार पर किया जाता है। आपको यह भारतीय मुद्रा रुपए से जुड़े 28 रोचक तथ्य इंडियन करेंसी इन हिंदी कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।